सिर्फ PDF में डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस पेपर्स भी। इतनी PhD के बाद एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं। तो सही प्रेप करना यार, बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। मेरा बेना ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। डाउनलोड नाउ। दो ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ प्रेप करो। सिर्फ PhD कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी मटेरियल हंट करने में PhD। अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 29 वेबसाइट से 20,000 पेजेस का स्टडी मटेरियल PDF में डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस पेपर्स भी। इतनी PhD के बाद एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं। तो सही प्रेप करना यार, बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। मेरा बेना ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड अप, इंडियाज बिगेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज सूरज गोपी। I welcome you all to this live class of very, very important, unique topic, that is thermal insulation, a bane or a boon. So, very good evening. कैसे हो आप लोग सब? So, yesterday, this last class, हम लोगों ने discuss किया था about 3 heat generation case in the slab. ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था। एंड आई हैव सीन रोहन गोयल करके कैंडिडेट, उन्होंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को एंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आई हैव सीन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड आई हैव सीन मिस्टर रोहन गोयल, उन्होंने सॉल्व किया था। सो वेरी गुड, आई वॉन्ट एवरी वन टू प्लीज बी एक्टिव और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि द मोर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन the more you will be able to understand the concept. ठीक है? So let's begin आज का session. आज का session थोड़ा सा unique है और ये unique इसलिए क्योंकि हमें ये देखना है कि यार thermal insulation, bane और boon का मतलब ये होता है good और bad. तो thermal insulation क्या वो सही चीज है या गलत चीज है, उसके बारे में आज complete discussion करने वाले हैं और हम कुछ questions भी solve करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑफ थर्मल इंसुलेशन, अ बेन और अ बोन। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे इंसुलेशन अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं बात करूंगा मान लीजिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसमें थर्मल इंसुलेशन का कंसेप्ट अलग होगा, और वही चीज अगर मैं बात करूं AC डक्ट्स की बारे में तो उस केस में थर्मल इंसुलेशन का कंसेप्ट अलग होगा। सो डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट कंसेप्ट, तो उसी के बारे में हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। फाइन, हेलो वर्ल्ड क्लास मोटिवेशन, ओके नाइस नेम। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज सूरज गोपी, आई डील विद दिस 5 सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, थर्मल अप्लाइड हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स। 15,000 प्लस एस्पिरेंट्स फॉर गेट ESC एंड SSG आई हैव ऑलरेडी गाइडेड एंड मेंटर्ड। ठीक है, सो विजन 2022 की बात करते हैं, जो लोग एम कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ 2022 फॉर गेट एंड ESC, इट्स अ फाउंडेशन कोर्स फॉर गेट एंड ESC एंड ऑलरेडी 5th बैच हैज बीन लॉन्च्ड। तो बैच 5th लॉन्च के बाद आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि 4 बैचेस फुल होने के बाद वी हैव लॉन्च्ड 5th बैच। So it's on demand course for all the GATE aspirants, ESE aspirants for the year of 2022. ठीक है, तो आप directly contact कर सकते हैं this number पे, understated number, that is 9650052904. ठीक है, content बताएंगे इस course का, 950 plus of IELTS of live classes, practice question, mock test, and the best important thing, you will be getting a ready-made chapter wise study notes. Okay, चलिए। So let's start with the yesterday's question. ये आपको मैंने कल question दिया था as a homework, रोहन ने सॉल्व किया था, it's absolutely correct. इसका आंसर आता है 412 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज द yesterday's होम टास्क विच आई गिव यू, द आंसर विच विल बी कमिंग इज 412 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, जिनको डाउट रह गया, जो सॉल्व नहीं कर पाए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल लॉजिक है, देखो ये आपका है स्लैब और स्लैब के अंदर का टेम्परेचर प्रोफाइल तक भी गिवन है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका 200 डिग्री सेल्सियस, राइट साइड में आपका है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइन, दिस इज द टी मैक्स और ये डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन आई थिंक, यस हाँ, ये x इक्वल टू 0 है, दिस x इक्वल टू L, दैट इज 5 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉस, मतलब ये टी मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यार ये
यहां से कितने डिस्टेंस पे x निकालना पड़ेगा, x निकालने के बाद टेम्परेचर प्रोफाइल, जो टेम्परेचर इक्वेशन हम क्रिएट करेंगे उसमें x की वैल्यू डाल के यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। t इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2k प्लस c1x प्लस c2। दिस इज द जनरलाइज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है, टेम्परेचर इक्वेशन। c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट, तो बाउंड्री कंडीशन लिखाएंगे एट x इक्वल टू जीरो, at x equal to 0 the temperature is equal to 200 degrees celsius, ठीक है, प्लेस करेंगे वैल्यू, तो c2 आपकी वैल्यू आएगी 200, c2 is coming out to be 200 क्योंकि x 0 तो सब 0 हो जाएगा, तो ultimately आपका c2 आ जाएगा 200। तो इक्वेशंस को मॉडिफाई करते हैं, q is equal to minus q dot x square by 2k plus c1x plus 200। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, at x equal to 0.05, because हमेशा याद रखिए, whenever you are solving any question, try to convert into SI units. तो x equal to 500 meter, sorry 0.05 meter लिखेंगे, आपका temperature कितना है? Temperature is equal to 100 degree Celsius. Place this value, you will be getting the value of C1 coming out to be 18833.333, something like this. तो आपका final expression क्या बन जाएगा? T is equal to minus q dot x square by 2k प्लस 18833.33x प्लस 200, ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विच आर गेटिंग द टेम्परेचर प्रोफाइल। क्या निकालना है? मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एंड मेक इट इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल टी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डॉट एक्स बाय के प्लस 18833.33 equal to 0. From here you get the value of x. X is equal to, x comes out to be आपका आएगा 0.26 meter. That means 2.26 centimeter. Yes. So please play, make chapter wise playlist as page surface. Okay, definitely. देखो paid service में we are having chapter wise study plan. You won't be having at random topics. You'll be having all the topics will be in sequence, in proper order, and we'll be having daily quizzes. Like I told you, if I talk about any courses, not about only vision course, you talk about any course on the grader platform, the paid course will be having a proper study plan. We'll be having a proper study plan. Okay, along with that we'll be having study notes will be provided and quizzes will also be provided. Okay, so that's different on YouTube. Definitely I'll be making us heat transfer playlist, but that will be random topics important for exam, but that will be not complete syllabus. Okay, definitely we'll be having some difference between the paid course and a free class. Okay, yes, so now we calculated the value of x where the maximum, that means at x equal to 2.26 the temperature is maximum. Okay, so get the value of, you just place this value of x, that is minus q dot x square by 2k plus 18833.33x plus 200. Put the value of x in this equation. Q dot is already given as 15 to 10 power 6, k is value given as 60, and rest values, everything is given. You place this value, you'll be getting 412 degrees Celsius. Exactly 412.34 something. So you can go for as 412 degrees Celsius. Okay. So the correct answer is option A. So very important for gate or perspective. For ESE, you should be knowing the concept. Okay. For gate perspective, this is a very important problem. Done. So this was a question which I gave you in the last class, that is yesterday. Now today's topic is thermal insulation is a bane or a boon. Bane or boon basically means, is it a necessity or is this an evil or is this good or bad? So there are two figures shown on the screen, though diagram hai. One is of electric wire and second is of AC ducts. Theek hai? Fine. Now the question is, क्या थर्मल इंसुलेशन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में, दोनों एप्लीकेशन में सेम वर्क करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ थर्मल इंसुलेशन और इंसुलेशन इन इलेक्ट्रिक वायर? व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलेशन ऑन एसी डक्ट्स? प्लीज डू टेल मी।
वायर्स में, इलेक्ट्रिक वायर्स में और एसी डक्ट्स में क्या इंसुलेशन का ऑब्जेक्टिव सेम है? इफ सेम देन व्हाई वी आर नॉट डूइंग एक्सेसिव इंसुलेशन इन इलेक्ट्रिक वायर और व्हाई वी आर नॉट डूइंग वेरी स्मॉल इंसुलेशन इन एसी डक्ट्स? टेल मी माय डियर फ्रेंड. इलेक्ट्रिक वायर्स में यू नो दैट जब करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है सो डेफिनेटली अगर करंट फ्लो होगा हीट जनरेशन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा. आई स्क्वायर आर इंटू टी तो आपका हीट जनरेशन होगा, राइट? फाइन. तो अगर हीट जनरेशन होगा सो डेफिनेटली आप चाहोगे कि क्विकली यहां से हीट डेसिपेट हो जाए. तो आइडियली आपको तो इंसुलेशन करना ही नहीं चाहिए बिकॉज इंसुलेशन करेंगे तो हीट को वो रोक के रखेगा एंड अल्टीमेटली देर विल बी एन पॉइंट द वायर विल मेल्ट डाउन. तो आपको तो ये चाहिए कि सर इंसुलेशन ना हो बट स्टिल वी आर डूइंग इंसुलेशन ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स. कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? माय डियर फ्रेंड, हम इलेक्ट्रिक वायर्स में इंसुलेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, नॉट फॉर स्टॉपिंग द हीट डेसिपेशन. हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स में यू नो दैट बिकॉज नेकेड वायर इज वेरी डेंजरस. इफ यू डायरेक्टली टच द नेकेड वायर विल बी हैविंग एक्सीडेंट कैन हैपन. सो डेफिनेटली फॉर सेफ्टी पर्पस ओनली हम लोग इंसुलेट करते हैं द इलेक्ट्रिक वायर्स. पर इन एसी डक्ट्स वी आर इंसुलेटिंग फॉर डिक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए हम लोग यहां पे इंसुलेशन, अब ये देख रहे हैं दिस इज द इंसुलेशन पार्ट. अब क्वेश्चन ये आता है अगर सर मैं सेफ्टी के लिए इंसुलेशन करता हूं तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि मैं टेम्परेचर्स को राइज करने के लिए हेल्प कर रहा हूं बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव सीन अगर मैं इसको इंसुलेट कर रहा हूं तो वो हीट को रोक के रखेगा. अल्टीमेटली देयर विल बी पॉइंट कि ये वायर मेल्ट डाउन हो जाएगा एंड विल बी हैविंग अ सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा. फाइन. तो टेक्निकली सेफ्टी करने के चक्कर में वी आर बेसिकली मेकिंग द सिस्टम मोर प्रोन टू फेलियर. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर हम इंसुलेट करते हैं हीट बाहर जाएगा नहीं तो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होते होते एक पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएगा. अगर वायर मेल्ट हो गया तो आपका सर्किट ब्रेक हो गया तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा. Then how to understand this? So according to this, आपका insulation तो यहां पे एक गलत काम कर रहा है. It is having a bad side. AC में ठीक है हम insulation provide करें so as to reduce the heat transfer, but in electric wire you are doing the insulation, you are basically increasing the resistance and decreasing the heat transfer. ऐसा नहीं होता electric wires में, ठीक है? So today's session is basically will be dealing with थर्मल इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. की इलेक्ट्रिक वायर्स में इंसुलेशन का कंसेप्ट कैसा है, फंडा कैसा है, अगर इंसुलेशन ज्यादा करूं तो क्या हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके बारे में डिस्कशन है. ठीक है, फाइन. आई होप सो यू गॉट दैट आइडिया कि इलेक्ट्रिक वायर्स में इंसुलेशन का कंसेप्ट सेफ्टी ही रहता है और हीट ट्रांसफर को बढ़ाने का रहता है. कैसे? That will be proved in today's session. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज पता रहना पड़ेगा. रेडियल हीट कंडक्शन थ्रू अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर से अगर मान लीजिए मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, आपका हीट ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है. फाइन. तो इस केस में फोरियर्स लॉ लगाते हैं तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट रिजल्ट से बात करूंगा. योर हीट ट्रांसफर कम्स आउट टू बी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल एन. लेट अस सपोज द आउटर रेडियस इज R2, आउटर रेडियस, एंड R1 इज द इनर रेडियस. तो एल एन R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटू एल. एल इज द लेंथ ऑफ द वायर या हॉलो सिलेंडर. तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. कंडक्शन हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन.
परफेक्ट. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, वी आर हैविंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पहली क्लास में आपको मैंने बताया था T1 से T2 ये हो जाएगा आपका RTH. तो RTH आपका जो निकल के आएगा इन हॉलो सिलेंडर इस कम्स आउट बी LN R2 by R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के इनटू L. ठीक है. और लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा हमने कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी पढ़ा था. हमने कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ये भी हमने पढ़ा था. दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अ सरफेस, लेट अस सपोज मेरे पास एक है वायर, ठीक है, इसका रेडियस है R2, फाइन, और यहां से आपका हो रहा है कन्वेक्शन. सो आई कैन से Q इज इक्वल टू H इंटू A इंटू T. मान लीजिए दिस इज T2 एंड दिस इज T इंफिनिटी. सो T2 माइनस T इंफिनिटी. सो फ्रॉम हियर आई नो दैट द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन H इंटू द एक्सपोज्ड एरिया. एरिया क्या होगा? आउटर सरफेस एरिया 2πR2 इंटू L. दिस विल बी द एक्सपोज एरिया, क्योंकि आपका आउटर सरफेस ही सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2πR2 इंटू L. ठीक है. अब दोनों कंसेप्ट को मिलाते हैं और देखते हैं कि कैसे थर्मल इंसुलेशन का कंसेप्ट में बेन और बून को समझने के लिए. ठीक है, चलिए. तो मान लीजिए मेरे पास, यही करते हैं, रुको. मान लीजिए मेरे पास एक हॉलो, एक इलेक्ट्रिक वायर है. ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है. ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर और इस पे मैंने कर दिया एक कोटिंग ऑफ इंसुलेटर. ठीक है, एक इंसुलेटर का मैंने कोटिंग कर दिया. क्लियर, फाइन. ये थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज बहुत ही गंदा डायग्राम बना है. ये देखिए, ठीक है. अब ये आपका इलेक्ट्रिक वायर है और इसके ऊपर मैंने एक इंसुलेटर का कोटिंग कर दिया, इंसुलेटर का, फाइन. और आउटसाइड का एम्बिएंट का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है. टेम्परेचर मान लीजिए T इन्फिनिटी है. यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2. तो अगर मैं टोटल हीट ट्रांसफर निकालू फ्रॉम 1 to 2, अगर मैं टोटल हीट ट्रांसफर निकालू, Q विल बी इक्वल टू T1 माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस प्लस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, राइट. अब कंडक्शन रेजिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द कंडक्शन रेजिस्टेंस? कंडक्शन रेजिस्टेंस इक्वल टू LN R2 या आउटर रेडियस बाय इनर रेडियस डिवाइडेड बाय 2πK × L. और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होगा? कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 अपॉन H इंटू 2π आउटर रेडियस इंटू L. ये आपका होगा आउटर रेडियस और ये हो जाएगा आपका इनर रेडियस. दिस विल बी इक्वल टू इनर रेडियस, है ना? क्लियर. अब अगर मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दो फॉर्मुलेस आपके स्क्रीन पे है, कंडक्शन रेजिस्टेंस एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस. मान लीजिए पहले मैंने कुछ कोटिंग किया, ठीक है. मैं क्या चाहता हूं यार, मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा और कोटिंग कर दूं. मान लीजिए मैंने प्लास्टिक से कोटिंग किया था, मैंने और प्लास्टिक का कोटिंग कर दिया, ठीक है. तो बेसिकली मैं कोई भी इसमें पैरामीटर्स में एक आरओ ही ऐसा वैल्यू है जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, क्योंकि RI क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ द वायर. RI इज द रेडियस ऑफ वायर, वायर का रेडियस है. तो वायर के रेडियस को आप कैसे चेंज कर सकते हो? क्योंकि वायर तो आपका कंपनी से बन के आ रहा है. आप एक चीज कर सकते हो, आप इंसुलेशन की कोटिंग को बढ़ा सकते हो. मान लीजिए आपने इंसुलेशन टेप लगा के इसकी कोटिंग को बढ़ा दिया, तो आरओ को आप चेंज कर सकते हो. दैट मीन्स आउटर रेडियस को आप चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ भी पैरामीटर आप चेंज नहीं कर सकते. तो बेसिकली आरओ के रिस्पेक्ट में मैं हीट ट्रांसफर को बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? On the basis of the value of RO, I can increase the value of heat transfer, I can decrease the value of heat transfer. Done? So, आपको simple सा question पूछ रहा हूं. अगर मान लीजिए मैंने outer radius को increase किया, by any reason मैंने increase किया, क्या conduction resistance बढ़ रहा है या घट रहा है? जब मैंने outer resistance, outer वाले radius को बड़ा, इंसुलेशन को मैंने बढ़ाया, तो क्या कंडक्शन, भाई क्योंकि आप देखिए
कंडक्शन रेजिस्टेंस में आर ओ इज इन द न्यूमरेटर, तो आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा, बट आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो अब एक ही चीज मतलब आउटर रेडियस को बढ़ाने से दो चीजें हो रही है पैरेलली, आपका कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं, एक पॉइंट पे आपका रेजिस्टेंस होगा मिनिमम, क्योंकि एक फैक्टर बढ़ रहा है एक फैक्टर घट रहा है, सो विल बी गेटिंग एन ऑप्टिमम वैल्यू, और उस ऑप्टिमम वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। मतलब क्रिटिकल रेडियस इज दैट पॉइंट वेयर यू विल बी हैविंग द लीस्ट रेजिस्टेंस एंड यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, ओके, इज दिस क्लियर। चलो, तो जब मैंने प्लॉट किया ग्राफ, जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर एंड द आउटर रेडियस, ठीक है, मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा ग्राफ मिला लाइक दिस, ये देखिए, ये जो पॉइंट है जहां पे मेरे को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिल रहा है, जहां पे आपको क्यू मैक्स मिल रहा है, इस रेडियस को बोलते हैं, इस आउटर रेडियस को बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस, आरसी इज बेसिकली मींस क्रिटिकल रेडियस, ठीक है। मतलब अगर आपका आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन अगर आरसी के बराबर होगा तो आपका हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं, मान लीजिए आरसी के लेफ्ट साइड, मतलब अगर आउटर रेडियस आरसी से कम है इसको मान लीजिए रीजन वन, और अगर मान लो आर ओ आर सी से ज्यादा है इसको मान लीजिए रीजन टू। ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है इसको समझते हैं। देखो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल एन आर ओ बाय आर आई डिवाइडेड बाय टू पाई के इंटू एल प्लस वन अपॉन एच इंटू टू पाई आर ओ इंटू एल, ठीक है। तो जब आप आर ओ को इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो इन रीजन वन, रीजन वन कौन सा है, लेफ्ट साइड ऑफ आर सी, इन रीजन वन हो क्या रहा है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द आउटर रेडियस आपका टोटल रेजिस्टेंस, आपका कंडक्शन बढ़ रहा है और कन्वेक्शन ज्यादा घट रहा है, सो ओवरऑल आपका टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। तो अगर आपका टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो मतलब आपका हीट ट्रांसफर इंक्रीज करेगा। इसी रीजन की वजह से लेफ्ट साइड या रीजन वन में अगर आप आउटर रेडियस पे इंसुलेशन को बढ़ाते हो, मान लीजिए पहले आपका आउटर, मैं यहां पे दूसरा पेन यूज करता हूं, मान लीजिए पहले आपका आउटर रेडियस कहीं यहां था, ठीक है, पहले आपका इनिशियली यहां था, ठीक है, आपने उसमें एडिशनल किया इंसुलेशन का और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच गए, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच गए, तो बेसिकली जब आपने इंसुलेशन को बढ़ाया आपने क्या देखा, भैया हीट ट्रांसफर तो बढ़ रहा है, सो दिस इज इन रीजन वन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रीजन वन में कंडक्शन बढ़ता है कन्वेक्शन घटता है, सो इन टोटल कन्वेक्शन ज्यादा डिक्रीज होता है तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा, क्योंकि Q is equal to delta T by R। तो अगर आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, सो दिस इज अ रीजन कि रीजन वन में एडिंग इंसुलेशन, सो आई कैन से इन रीजन वन एडिंग इंसुलेशन विल इंक्रीज हीट ट्रांसफर, ठीक है, फाइन, क्लियर। एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज हो रहा है रीजन टू में, रीजन टू में क्या हो रहा है, यहीं पर लिख देते हैं अलग पेन से, ठीक है, सो दैट व्हेन यू विल बी डाउनलोडिंग दिस पीडीएफ यू विल बी गेटिंग, यू कैन डाउनलोड इट द नोट्स, आप नोट्स की तरह इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इन रीजन टू क्या हो रहा है, जब रीजन टू में जब आपने व्हेन आर ओ को इंक्रीज किया, व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर ओ, सेम आपका कंडक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ा और कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस घटा, बट ओवरऑल आपका टोटल रेजिस्टेंस, लेट मी हाइड माई सेल्फ, आपका आर टोटल इंक्रीज हुआ, तो आर टोटल इंक्रीज हुआ तो आपका हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा, और यही चीज आपका यहां पे दिख रहा है।
मान लीजिए इनिशियली आप पहले यहां पे थे थ्री पे, जब आपने एडिंग इंसुलेशन किया आपने इस पॉइंट पे पहुंचे तो अल्टीमेटली आपका हीट ट्रांसफर घट गया. इज दिस क्लियर? तो बेसिकली एडिंग इंसुलेशन इन रीजन टू, रीजन टू की बात कर रहे हैं, इन रीजन टू क्या हो रहा है, एडिंग इंसुलेशन विल डिक्रीज हीट ट्रांसफर. तो जो भी एयर कंडीशनिंग के अप्लायंसेस होते हैं वो हम रीजन टू में अप्लाई करते हैं. मतलब रीजन टू में हम लोग एसी या रेफ्रिजरेशन सब एप्लीकेशन हम यहां पे यूज करते हैं. रीजन वन में हम लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स में आपको इंसुलेशन देना पड़ेगा. क्यों? सेफ्टी पर्पज से. आप लाइव वायर को ऐसे ओपन नहीं रख नहीं सकते, कोई भी अगर उस लाइव वायर को छुएगा देयर विल बी गोइंग, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो इट विल बी एक्सीडेंट विल बी हैपनिंग. ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स का कोई भी जब भी हम बेसिकली डिजाइन करते हैं वी मेक श्योर दैट उसमें इंसुलेशन एड करने के बाद भी वो रीजन वन में ही रहे. एसी डक्ट्स में क्या होता है, वी मेक श्योर दैट उसमें एडिंग इंसुलेशन वो रीजन टू में ही रहे. ठीक है, तो ये पूरा फंडा है ऑफ थर्मल इंसुलेशन. इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आई सपोज ये क्लियर हो चुका है. अब थोड़ा मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करते हैं. तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करूंगा, अल्टीमेटली मुझे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आरसी की वैल्यू कितनी आती है, इट इज इक्वल टू के बाय एच. ठीक है, तो और ये के किसका है, इंसुलेटर का, ये वायर का नहीं है, ये के इंसुलेटर का है. मतलब अगर मान लो ये वायर है और ये आपका है इंसुलेटर, सो ये के इंसुलेटर का है, वायर का नहीं है. एच क्या है, सराउंडिंग का. सो के बाय एच आपको वैल्यू देगा क्रिटिकल रेडियस. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. मान लीजिए एक वायर है और इसको हमने कोट किया है एक कोई इंसुलेटर से जिसका के वैल्यू है लेट अस सपोज 0.1 वाट पर मीटर केल्विन. ठीक है, 0.1 वाट पर मीटर केल्विन. एच वैल्यू गिवन है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. एच वैल्यू गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यार इसका आउटर रेडियस गिवन है लेट अस से 5 mm. पूछ रहा है अगर मैं 5 mm से थोड़ा और मान लीजिए 1 mm अगर मैं इंसुलेशन करता हूं, 1 mm एडिशनल इंसुलेशन करता हूं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या घटेगा. तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, पहले आपको क्या करना है, क्रिटिकल रेडियस निकालिए, दैट इज इक्वल टू के बाय एच. ठीक है, क्रिटिकल रेडियस 0.1 डिवाइड बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 1 mm. 1 mm आ गया, मतलब क्रिटिकल रेडियस है 1 mm. आपका आउटर रेडियस इस पॉइंट पे कितना, 5 mm. अब 5 mm से बढ़ा के 6 mm जाओगे तो कौन सी रीजन की बात कर रहे हैं हम, इस केस में रीजन नंबर 2 की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन नंबर 2. एंड इन रीजन नंबर 2 आप एडिंग इंसुलेशन विल डिक्रीज द हीट ट्रांसफर. ठीक है, तो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसमें और इंसुलेशन लगाओगे आपका हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअसली करता रहेगा क्योंकि हम रीजन टू में हैं. कुछ ऐसा केस होता कि आपका जो आउटर रेडियस अगर मान लीजिए 0.1 mm होता तो उसमें अगर आप 0.5 mm ऐड करते सो डेफिनेटली वो आप रीजन वन की बात करते तो एडिंग इंसुलेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. तो हमेशा याद रखिए आपको क्या करना होता है, आउटर रेडियस को हमेशा कंपेयर कर रही है क्रिटिकल रेडियस से और देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एंड अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द रीजन इन विच रीजन यू आर टॉकिंग अबाउट रीजन वन और रीजन टू बिकॉज डिफरेंट रीजन डिफरेंट परस्पेक्टिव. तो इसी कारण आपका इलेक्ट्रिक वायर्स पे हम लोग इंसुलेशन देते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस और एसी डक्ट्स में हम लोग इंसुलेशन देते हैं फॉर द योर रिड्यूसिंग द हीट ट्रांसफर. ठीक है, फाइन. सो थर्मल इंसुलेशन इज
इज बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, आप किस कंडीशन में वर्क कर रहे हो. इफ योर कंडीशन इज इन रीजन वन देन यू बी गोइंग विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एप्लीकेशन. अगर आपका कंडीशन है रीजन टू में तो आप एसी डक्ट्स या रेफ्रिजरेशन के कंडीशन वहां सॉर्ट आउट करेंगे. इज दिस क्लियर? तो एक दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है, आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितना आप इसको समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा. तो एक क्या एक फॉर्म इंसुलेशन है, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है, देखते हैं. एक फॉर्म है जिसके अंदर आपका एक थर्मल कंडक्टिविटी है, एच की वैल्यू दे रखी है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इनर डायमीटर दे रखा है 4, आउटर डायमीटर दे रखा है आपको, अच्छा यहां पे आपने क्या किया, इंसुलेशन 4 सेंटीमीटर का आपने इंसुलेट कर दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, यहां पाइप है, पाइप का के वैल्यू है 15 और फोम का के वैल्यू है 0.1. पूछ रहा है व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, आरसी पूछ रहा है. आरसी क्या होता है, के बाय एच. अब क्वेश्चन में 2 के गिवन है, 2 एच गिवन है, कौन सा लेंगे माय डियर फ्रेंड? हमेशा याद रखिए एच हमेशा हम आउटर का ही लेते हैं, बाहर के सर्फेस का, तो ये हो जाएगा आपका 2. और के किसका लेते हैं, इंसुलेटर का. इंसुलेटर क्या है, फोम इज द इंसुलेटर, इंसुलेटर इज द फोम, तो ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर और आई कैन से 5 सेंटीमीटर. तो फाइनल आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज अ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन. और कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है. मेक श्योर ये कंफ्यूजन के लिए उन्होंने 2K और 2H, देखो अंदर भी एक H दे रखा है, इनर H, HI दे रखा है, जो कि हमें नहीं लेना, ये पाइप का K दे रखा है, इसको हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ आउटर से और इंसुलेटर से मतलब है. क्लियर? फाइन. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. अ पाइप ऑफ 25 सेंटीमीटर आउटर डायर, ठीक है, एक मेरे पास पाइप है जिसका आउटर डायमीटर है 25 mm. कैरीज द स्टीम, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द सिलेंडर एंड सराउंडिंग इज, एच वैल्यू गिवन है 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द पाइप बाय एडिंग इंसुलेशन हैविंग अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.05. मैंने क्या किया, इसके ऊपर दूसरा कलर यूज करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक इंसुलेशन या कोटिंग किया, ठीक है, जिसका के वैल्यू है 0.05 वाट पर मीटर केल्विन. पूछ रहा है अगर मैंने इसके ऊपर कोटिंग किया तो क्या वो कोटिंग करने से आपका हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज अ क्वेश्चन. ठीक है, तो सिंपल पहले आप आरसी निकालोगे, आरसी इज इक्वल टू के बाय एच, के इज इक्वल टू 0.05, एच इज 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.01 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और आई कैन से 10 mm. तो क्रिटिकल रेडियस इज 10 mm. एट प्रेजेंट वॉट इज द आउटर डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 12.5 mm इज द आउटर रेडियस. आउटर रेडियस इज इक्वल टू 12.5 mm. सो डेफिनेटली आउटर रेडियस आपके आरसी से ज्यादा है, तो हम रीजन टू में है, तो एडिंग इंसुलेशन विल रिड्यूस द हीट ट्रांसफर, द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि आपको जो आउटर रेडियस है, अगर मैं ग्राफ के रिस्पेक्ट में बताऊं, देखो आप, ये आपका ग्राफ है, ये आपका है रीजन वन, ये आपका रीजन टू. आरसी कितना निकला, आरसी निकला 10 mm, ये आपका 10 mm. आउटर रेडियस कितना है 12.5, तो आप यहां कहीं है, दिस इज द आर आउटर विच इज इक्वल टू 12.5, दिस इज इक्वल टू आरसी. तो आप रीजन टू में लाई कर रहे हैं, रीजन टू में एडिंग इंसुलेशन विल डिक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो बाय दिस मेथड कोई सा भी क्वेश्चन क्रिटिकल रेडियस का आप आराम से सॉल्व कर पाओगे. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन. और एक होमवर्क देना था, बट आई थिंक कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, नो वरीज. कोई भी डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, ठीक है, एंड दीज आर द ग्रेड अप अचीवर्स हु हैव सिक्योर्ड इन द टॉप 100, ठीक है. और ग्रेड अप सुपर की मदद से, इन बाय यूजिंग द ग्रेड अप सुपर यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू ऑल द कोर्स विच इज रिलेटेड टू गेट, PSU, और इसरो एंड बार का भी एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, ESE इंजीनियरिंग सर्विस. तो कोई भी कोर्स है, आपको क्या करना है, ग्रेडर सुपर में सब्सक्राइब करना है, यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल एक्सेस. अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है. सो दिस इज इट, एंड ग्रीन कार्ड आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है. ग्रीन कार्ड का क्या मतलब है माई डियर फ्रेंड? ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक. और माई डियर फ्रेंड,
सेलेक्शन के लिए ग्रीन कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड रादर प्रेफर ग्रीन कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर होगा, क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और बहुत सारे टॉपर्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, वो भी अपने क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड करते हैं, सो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ वेरी गुड ट्रेजर ऑफ क्वेश्चंस. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी इन going in purchasing any of the course or green card. So thank you guys for joining with me. I hope you all enjoyed the session. Milte hain kal, aur kal hamara jo topic hoga bahut hi acha topic hai, that is your radiation resistance, right? It, let me check what is the topic for tomorrow. Tomorrow is Saturday. Ha, to aapka radiation resistance के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू गाइज फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी. दिस इज सूरज को भी साइनिंग ऑफ. यू ऑल एंजॉयड. सो बाय बाय गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय बाय. दो ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो. ये है मिस्टर पीएचडी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी मटेरियल हंट करने में पीएचडी. अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 29 वेबसाइट से 20,000 पेजेस का स्टडी मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस पेपर्स भी. इतनी पीएचडी के बाद एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं. तो सही प्रेप करना यार, बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए. मेरा बहना ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है. डाउनलोड नाउ. दो ऑप्शंस है,